हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं अच्छी और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो जी चलो एक और नई वीडियो शुरू कर लेते हैं। लंच हो चुका है और दोपहर का बाद का टाइम हो गया है और सुबह से कोई वीडियो शुरू नहीं किया है। काम में जुटी हुई थी आज सुबह से ही, और क्या काम किया है वो मैं दिखाऊंगी। चलो देखो, आज मैंने ऐसा काम किया है आज तक दुनिया के किसी टेलर ने नहीं किया होगा। काम कहना ये ठीक नहीं रहेगा, करिश्मा, ऐसा करिश्मा किया है मैंने। उस टाइम पर तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि वीडियो बनाने का भी मेरा मन नहीं किया। अभी सोचा चलो आप लोगों के साथ अच्छी बुरी सब चीज़ें शेयर करती हूँ, तो ये भी कर लेती हूँ। ये देखो, ये सूट मैंने पूरा सिल लिया था, एकदम कम्प्लीट हो गया था सिल के। गला वला बाजू वजू लगा के पूरी फिटिंग विटिंग ट्राई हो गई थी, सब कुछ हो गया था। और फिर मैं नीचे का बॉर्डर लगाने लगी, ये देखो प्रेस भी कर ली। ये तो खैर थोड़ा कट लग गया था इसमें मेरे से ही बॉर्डर खोलते हुए, क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ था ना तो इसको उधेड़ा था। ये लगाने लगी तब मैंने देखा कि ये मैंने पूरा सूट उल्टा सिल दिया। ये देखो जो वर्क है ना, ये सीधा है, ये सीधा है एक्चुअली में, लेकिन सिल दिया था मैंने इस तरफ से, इस तरह से सिल दिया था। ये एक बार तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था बिल्कुल। फिर इसको हमने लग के तीनों ने, विनीता ने, पूजा ने और मैंने खोला, बिल्कुल अलग अलग किया, बाजू भी उतारी। और ये देखो गला भी मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका के इनर से बनाया था, ये भी खोल दिया है पूरा। और अभी इसको सिलूँगी दोबारा, क्योंकि कल जाना है मुझे शादी में, तो सिलूंगी तो मैं ज़रूर इसको आज। चलो फिर अब इसमें लग जाती हूँ मैं और इसको सिल के फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखो इसमें कट भी लगे हुए हैं, अभी इसको प्रेस करके साफ करूँगी वापस, रिनर को उधर से उठा के इधर रखूँगी और तब दोबारा बड़े ध्यान से लगाना पड़ेगा अभी ये टाका, क्योंकि ये जो कट हैं लास्ट तक होते हैं, तो उसी हिसाब से अब करना पड़ेगा। इसको कमीज सिल गया जी, चलो अभी बना लेते हैं इस बाजू का डिजाइन। ये इसमें लगाऊंगी मैं पूरे में इनर, तो ये मोरी वाली साइड है, इसमें इस तरह से कटिंग कर दी है मैंने, ये देखो। और जहाँ तक मोरी आएगी जितना मार्जिन है वहाँ पर मैंने ये कट लगा लिया है, और इस पर मैं कर लूँगी अब पिनअप, और डिजाइन बड़ा अच्छा बन के तैयार होएगा। ये पूरी वीडियो देखना और ध्यान से सुनना मेरी बातें। तो ये देखिए इस तरह से ये लेस लगा लेंगे जो कि इस सूट के साथ ही मिली थी, और इसको लेस को मैंने इसके ऊपर रखा है उल्टा, सीधा भाग इसमें नीचे की तरफ चला गया है। जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगी सीधी, बिल्कुल आसान और इतना सुंदर डिज़ाइन है ये। और ये डिज़ाइन वैसे मैंने बनाया है अभी मजबूरी में, क्योंकि मेरे को बाजू छोटी अच्छी नहीं लगती हैं, मेरे को चाहिए होती हैं 18 इंच की पौनी बाजू, तो जो कि इसमें बन नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो साइड से बची हुई बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें से डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये मैंने जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था ये ले लिया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जितनी मेरे को लेंथ बढ़ानी है उतना। वैसे हम प्लेन सूट पर ये बना सकते हैं डिज़ाइन जब ना बढ़ाना हो तभी भी, लेकिन मुझे तो ये बढ़ाना था। तो इस तरह से देखो ये सिलाई लगा के बीच में ये ले लिया मैंने 1 इंच का गैप, और जो 2 सिलाई पास पास लगाए इसमें लिया है 1/2 इंच का गैप। इस तरह से तैयार कर लेंगे जितना हमें मोरी के, अपनी मोरी के हिसाब से चाहिएगा उतना। ये इस तरह से सिलाई लगा के बस ये ध्यान ये रखना है कि सिलाइयाँ सीधी होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए। आधा पैर की ये सिलाई है और इनको ये हो गया पूरा कंप्लीट। लगाने के बाद इसको प्रेस करके एकदम अच्छे से साफ कर लेंगे। ये मैंने इसको कर लिया है प्रेस और ये हो गया है बिल्कुल साफ। ये देखो अभी इसके ऊपर जो लेस मेरे पास दूसरी है वो लगा लेंगे। ये लेस जो थी ये थी 2 बाजू की, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी थी ये, एक लेस में ऊपर और नीचे दोनों जगह लग गई है ये। इसका भी सेंटर ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट के और इसको कर लेंगे अच्छे से साफ। तो पहले लेस लगा लेते हैं, चलो कटिंग बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये लेस का ले लिया है मैंने सेंटर, और सेंटर से सेंटर मिला के सेम उसी तरह से लेस को रखेंगे उल्टा, और जो हमने ये फैब्रिक तैयार किया है इसको रखेंगे सीधा और इसको लगा देंगे सिलाई इस तरह से,
और सिलाई लगाने के लिए आगे रख लेंगे किनारे किनारे का कपड़ा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं मोड़ने के लिए। कभी फिर मैं अच्छे से बना के दिखाऊंगी प्रॉपर डिजाइन, तो गुम लग जाएगी फिर ये लेस। अभी मेरे पास कपड़े की कमी है तो इसलिए मैंने सिर्फ किनारी रखी है बाहर की तरफ, ताकि ये किनारी अंदर चली जाए मुड़ के। तो इस तरह से सफाई से आराम से इसको लगा लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती छोटे कामों में। तो ये क्योंकि लेस बिल्कुल पतली है तो किनारे की सिलाई लगानी है, आराम आराम से इसको लगा लेंगे सफाई से बिल्कुल अच्छे से। और लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पलट के और बिल्कुल नोक की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नोक की सिलाई लगाने के तो ये हो गया रेडी। अब इसको बीच में से प्रेस कर लेंगे ऐसे, या तो आप प्रेस भी कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे ही नाखून से ले लिया है निशान, और सेंटर से सेंटर मिला के इसको पिनअप करके, और जो हमने ऊपर डिजाइन गोलाई में लेस लगाई थी इसको इस तरह से अटैच कर देंगे, और ये इतना सुंदर सा डिजाइन बन के हो जाएगा तैयार। बिल्कुल कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल बोल दिया मैंने बिल्कुल की जगह तो ये देखो ये हो गया है तैयार। तो फाइनली ये सूट दोनों हो गए हैं मेरे रेडी सिल के। ये देख लो ये ग्रीन वाला, और ये देखो बाजू की इस तरह से कुछ आएगी लुक रेडी होने के बाद। पूरी बाजू में मैंने इनर लगा दिया है, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा मेरे को नाजुक लगा तो मैंने इसलिए इसमें पूरे में इनर लगा दिया है। तो ये है सूट की लुक, और ये देखो ये डबल डबल सिल के, और ये भी रेडी हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग से। इसकी बाजू में मैंने इनर लगाया नहीं। तो जी बीच में सिनोय आ गया था वॉइस ओवर करते करते, मेरी कार देख लो। तो इस बाजू में मैंने इनर नहीं लगाया, ये इसमें ज़रूरत नहीं महसूस हुई मेरे को। और यहाँ पर दोनों सलवार भी तैयार हो गई हैं, और इनके पोंछे बनाए मैंने 3 इंच ऊँचे। मैं और ज़्यादा ऊँचे बनाना चाह रही थी, लेकिन इस सूट ने सारी गड़बड़ कर दी। डबल टाइम लग गया, गड़बड़ तो सूट ने क्या की, गड़बड़ तो मैंने ही की थी, लेकिन फिर भी अच्छी बन गई सलवार। और सलवार के भी मैंने दोनों पल्ले पल्ले में इनर लगाया है, क्योंकि इससे थोड़ी ग्रेस ठीक आ जाती है, और इसका तो कपड़ा पतला भी था ऑफ वाइट वाले का। तो जी ये देखो इस तरह से मेरे सूट हो गए हैं दोनों रेडी। आप लोगों को मेरे सूट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो में आप लोगों को मैं ये एक सूट पहन के भी दिखाऊंगी।